हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप जी? उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे और खुश होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो जी, अभी सुबह का वक्त है और हम सभी नहा चुके। आज है अलविदा जुमा और जैसा कि पता है कि आज का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ये आखिरी जुमा है तो सभी जितने भी रोज़ेदार होते हैं उनके लिए जो कह सकते हैं कि गम का भी दिन होता है, लेकिन कहते हैं कि नहीं, आज के दिन को खुशी खुशी मनाना चाहिए। तो यहाँ पे ना मैंने आज ये नए ड्रेस को पहना है, मतलब रांची जाने से पहले मैंने इसे यहीं से परचेज़ किया था और मुझे इस तरह के ड्रेस जो है ना, कुछ चौड़े दुपट्टे वाले और लूज़ ड्रेस सॉफ्ट मटेरियल के बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने आज वही पहन लिया है। और साथ में बाकी जितने भी हैं वो भी नहा चुके और कुरान और नमाज सभी कर रहे हैं वो। तो बेटी यहाँ पे रेडी हो चुकी है और जो घर पे ड्रेस पड़ा था एक, जो नया ही था, लास्ट ईयर भी उसने पहना था इसे ईद के टाइम पे ही, तो उसे उसने पहन लिया है। और बेटा भी अपनी तिलावत कर रहा है। अच्छा, तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में भी ना सुबह में मैंने कुछ तैयारियाँ कर ली थी। जैसे कि आज इन्होंने कहा कि मसाला डोसा बनाने के लिए, तो मैंने बैटर बना कर रख लिया है डोसे का और वो फर्मेंट होगा दिन भर में। साथ में मैंने पलिया बना लिया है। तो ये अगर दो चीज़ आपके पास रहती हैं तो काफ़ी काम आसान हो जाता है। शाम में सिर्फ चटनी बनाऊंगी मैं। और यहाँ पे ना ये है ब्लैक चना, तो ये हमारे यहाँ डेली बनता है। आइदर इसका जो सैलेड होता है रॉ चने का सैलेड, या फिर स्प्राउट के फॉर्म में, या फिर घुघनी, तो ये तो बनता ही बनता है। और चिकन भी ये लेकर आए हैं, तो चिकन भी बनाऊंगी मैं। और साथ में ना यहाँ पे कुछ चीज़ें आ जाई हैं, क्योंकि ना ना करते करते भी ना हम, ये होता है कि कुछ चीज़ों को हम अवॉइड नहीं कर पाते हैं, तो आज ये लेकर आए थे कुछ चीज़ें। जैसे कि सेवियाँ हैं, क्योंकि अब तो ईद के टाइम ज़रूरत पड़ेगी ही, तो रश ना हो जाए ज़्यादा, तो मैंने अभी मंगवा लिया इनसे। और जो बहुत ज़्यादा असेंशियल्स थी तो उनको मैंने मंगवाया, जैसे तेल था, रेड चिली पाउडर और गुड़ और शुगर, चना दाल। चना दाल हमारे यहाँ तो उसका पकौड़ी जो है वो डेली बनता है, तो इसलिए वो मंगवाया। तो ये है कि डर भी लगता है, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है जिन्हें हम अवॉइड नहीं कर पाते हैं, वो चाहिए ही होती हैं, तो आज ये लेकर आए थे। अच्छा, अभी ना मैं अभी जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए और मेरी बेटी ने मुझे साथ में ज्वाइन किया है, तो बस जोहर का नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। अच्छा, तो जी यहाँ पे बाकी सारा काम हो चुका, जो मैं दिखाया था ना कि डोसे का भी यहाँ पे बैटर फर्मेंट हो रहा है और आलू को मैंने रख दिया फ्रिज में, जो पलिया बनाया था आलू का। तो इसमें ना बहुत फनी सी चीज है कि जो डोसे के बैटर को आपको बाहर रखना है ताकि वो खट्टा हो, और आलू के पेस्ट को आपको अंदर रखना है ताकि वो खट्टा ना हो, करेक्ट ना? तो एक को बचाना है और एक को आपको खराब करना है, फर्मेंट करना है। तो मैंने कर दिया वो काम, और चना अभी भी पूरा अच्छे से फूला नहीं है, तो जब हो जाएगा तो मैं उसका बनाऊंगी घूघनी। और यहाँ पे ना अभी जब सुबह में ये देखा मैंने कि ये लेकर आए थे चिकन, और जब मैंने पूछा कि क्या बनेगा तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज बनेगा चिकन और पुलाव। तो मेरी जो मेहनत है ना आज डबल हो गई, क्योंकि डोसा भी बना रही हूँ, डोसा है, पलिया, चटनी सब रहेगा, साथ में पुलाव और चिकन बनाना है। तो मैं चिकन अभी बना लेती हूँ और पुलाव थोड़ा सा लेट से बनाऊंगी, अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, अभी अराउंड 2:30 बज रहे हैं। तो जी चलिए फटाफट बनाते हैं अब चिकन। और चिकन को मैंने वॉश कर लिया है, आलू भी मैंने कट कर लिया, आलू चिकन जाता ही जाता हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे ना मैंने 3 प्याज को ब्राउन कर लिया था और साथ में मैंने डाला था जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अब मैंने 2 टमाटर डाल दिया है और इसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ होल स्पाइसेस, गरम मसाला, जो दालचीनी है, लौंग है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये ज़रूर मैं डालती हूँ। और थोड़ा सा भूनूंगी, उसके बाद मैं जो मसाले हैं वो डालूंगी, धनिया है, ज़ीरा पाउडर और रेड चिली पाउडर, पेपर पाउडर और थोड़ा सा हल्दी। अगर हल्दी आप चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं। बस इन्हें डालकर थोड़ा सा पानी दूंगी और अच्छे से इसे भूनूंगी, सॉटे करूंगी। और ये जो आप रेड चिली पाउडर देख रहे हैं ना, इसमें मैंने 2 तरह का पाउडर साथ में मिक्स कर दिया है, जो कहते हैं कश्मीरी लाल मिर्च होता है और जो नॉर्मल रेड चिली पाउडर होता है, दोनों को मिला दिया ताकि टेस्ट भी रहे साथ में और कलर भी आ जाए, तो मुझे बार बार दोनों मिर्च को ढूंढना ना पड़े। तो मैंने इनको मिक्स कर दिया है यहाँ पे। जब ये अच्छे से भुन गया तो मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है, थोड़ा ये बॉयल होगा तो इसे मैं क्या करूँगी, विसल लगा दूँगी, तो 1 विसल डालकर ये बन जाएगा।
और अब बनाने जा रही हूँ झारखंडी स्टाइल चना। तो ये हमारे साइड में बहुत ज़्यादा फेमस है। ये है स्प्राउटेड चना जो मैंने अभी सोक किया था ना, तो मेरे पास कुछ था स्प्राउट वाला और इसको ले लिया है मैंने। साथ में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मूली, गाजर, टमाटर, खीरा, हरी मिर्च, प्याज और नींबू। और इसके बाद ना लास्ट में जब खाने के टाइम पर हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक सॉल्ट, तो ये इतना ज़्यादा टेस्टी बन जाता है। अभी ज़रूर ट्राई कीजिए और हेल्थ वाइज भी बहुत ज़्यादा ये न्यूट्रिशियस है। तो मेरा चिकन भी बनकर तैयार हो गया है और अभी मैं जा रही हूँ बनाने के लिए मखमली पुलाव। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे डाला है रिफाइन ऑयल और थोड़ा सा घी, साथ में दगड़ फूल जिसे पत्थर के फूल भी कहते हैं, और कुछ स्पाइसेस जैसे कि दालचीनी और लौंग है। थोड़ा सा यहाँ डाल रही हूँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट क्योंकि मेरी मम्मी इसे ऐड करती है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ में डाल दिया है मैंने 3-4 ग्रीन चिली और यहाँ पर मुट्ठी भर सोख किया हुआ चना दाल। तो चना दाल से ना इसका आप जरूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मेरे बच्चे तो यही मखमली पुलाव ही ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। और इसकी रेसिपी ना मैंने पहले भी 1 साल पहले भी अपलोड की हुई है, चाहे तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। बस ये हल्का सा भुनेगा, बहुत ज़्यादा ऐसे भुन क्रिस्पी नहीं करना है आपको दाल को। थोड़ा ये भुन जाए तो मैंने यहाँ पर चावल को सोख के रख लिया था। मैंने यहाँ पर ना जीरा राइस ही यूज़ किया है, बासमती राइस का मैं इतना मज़ा नहीं आता इसमें, तो मैंने यहाँ पे उसे डाल दिया है। अब यहाँ पे इस चावल को भी थोड़ा मैं भूनूंगी ताकि इसका पानी जो है ना थोड़ा सा ड्राई हो जाए, और उसके बाद लास्ट में मैं डाल दूँगी गरम पानी। तो मैंने साइड में ना बर्तन में पानी को चढ़ा दिया गर्म होने के लिए, और जैसे यहाँ पे चावल का पानी सूखेगा ड्राई होगा उसके बाद मैं फिर ये पानी को ऐड कर दूँगी। साथ ही साथ मैं बाकी सारी चीज़ें भी कर रही हूँ। एक्चुअली जो मैंने बताया कि चटनी की तैयारी करनी थी, तो अभी वक्त हो चुका है अराउंड 5:30 और मुझे ये भी बनाना है, तो यहाँ पर ना चटनी भी प्रिपेयर कर रही हूँ। तो चटनी के लिए मैंने टमाटर, हरी मिर्च, पुदीना और गार्लिक, तो गार्लिक मैं ज़रूर ऐड करती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट उससे भी आता है। तो यहाँ पे ना मैंने अब गरम पानी ऐड कर दिया है और साथ में मैंने इसमें गार्निश करने के लिए अनियन को भी ब्राउन करके साइड में रख लिया है। तो बस दोनों साइड मेरा काम चल रहा है, इधर उधर सब काम करती हूँ। लास्ट के वक्त में ना बहुत ज़्यादा काम सभी के लिए, आई थिंक जितनी भी लेडीज़ हैं जो किचन में रहती होंगी, इफ्तार से कुछ देर पहले का टाइम बहुत ज़्यादा हौच पौच वाला रहता है। और पीछे साइड में ना मैं चाय चढ़ाती हूँ, दूध को बॉयल करती हूँ, तो इस तरह से जितने चारों बर्नर है वो चारों बर्नर बिज़ी रहते हैं। तो यहाँ पे अभी जो है चावल को मैंने दम पे छोड़ दिया है और बस चेक करूँगी, अगर तो थोड़ा सा ज़्यादा अगर ये लगे आपको कच्चा है तो आप थोड़ा गर्म पानी फिर से ऐड कर दें। और यहाँ तो मेरा परफेक्ट बन गया था और मैंने इस पे डाल दिया है ऑरेंज फूड कलर, और लास्ट में खाने के टाइम में मैं डालूँगी प्याज, क्योंकि प्याज ना आपको क्रिस्पी सा फील होना चाहिए। अगर आप इस पे मिला देंगे तो फिर वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। बाकी फिर मैं सैलेड का सामान तैयार कर रही हूँ और सैलेड में मैं डालूँगी प्याज, टमाटर और मूली, गाजर, खीरा, ये सारी चीज़ें डालकर मैं तैयार कर लूँगी। और मुझे बाकी भी चीज़ें करनी है, मुझे पकौड़ी बनाना है, और अब देखिए मुझे क्या क्या काम करना है। तो जी हो चुका है इफ्तार का टाइम, आप भी आइए और इफ्तार में शामिल हो जाइए। और जी यहाँ पे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ 27वीं की रात का व्लॉग। तो जी ये जो पांचों शबे कदर की रात है उसमें से चारों रातें हमें मिली और हम सभी जगह सभी ने हमने पूरी जितनी भी नमाज पढ़नी थी और जो भी कुरान पढ़ना था हम लोगों ने सब कुछ किया। और आज तो 27वीं की रात है, आज थोड़ा सा और भी पढ़ना है हम लोगों को। तो यहाँ पे ना बीच बीच में हम ब्रेक ले रहे थे क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, तो इसलिए किसी भी चीज़ को ना बहुत प्यार से और बहुत ही फ्लेक्सिबल होकर समझाना पड़ेगा। और क्योंकि उनकी मेमोरी में भी एक अच्छी सी मेमोरी रह जानी चाहिए कि हाँ बचपन में वो किस तरह से शबे कदर की रात को जगते थे।
तो यहाँ पे ना अभी बेटी ने चाय बनाया, उसने कहा कि मम्मी चाय मैं बनाऊँगी, लेकिन मैं उसे ऑब्जर्व कर रही थी, सारी चीज़ों को मैं देख रही थी, तो बस उसने भी हमें सब कुछ चाय सर्व किया है और बस यहाँ पे बातें कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, हस्बैंड भी जगे हुए हैं और बहुत अच्छा वक्त बीता क्योंकि घर पर हैं तो सब कुछ कर पा रहे हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और यहाँ पे ना बस चाय पियेंगे, उसके बाद फिर हम दोबारा नमाज में लग जाएंगे। और बेटी जो है अभी फ़िलहाल छोटी है तो उसे नमाज इतना पूरा पता नहीं है पढ़ना, तो उसे मैं छोटी छोटी दुआ बता रही थी कि तुम ये पढ़ सकती हो या ये पढ़ सकती हो, साथ में जो हम पढ़ रहे थे हमारे साथ वो नमाज को फॉलो कर रही थी। तो इसी तरह से चारों रात हमें माशाल्लाह मिली और लास्ट रात का हमें इंतज़ार है। और चलिए इंशाल्लाह ना फिर आपसे मुलाकात होगी, दुआ में प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर याद रखिए, सभी के लिए दुआ कीजिए क्योंकि कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।